इसके पहले क्लास में हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दियर डाइजेस्टिव ग्लैंड। उस टॉपिक को समाप्त किया था और शायद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप सबों ने इस चैप्टर की तैयारी, इस टॉपिक की तैयारी अपने स्तर से अवश्य कर लिए होंगे बच्चों। और आज का नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है फॉर क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए, जो कि बिल्कुल कॉमन सा चीज है, वो है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। ये चैप्टर तुम्हारा कोल एंड पेट्रोलियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तीनों क्लास के लिए कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम बच्चों। तो कोयला और पेट्रोलियम ये दोनों हमारा नेचुरल रिसोर्सेस हैं। नेचर हमें ये गिफ्ट के रूप में प्रदान की है, और हमारा जो भी ये लाइफ का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्हीं रिसोर्सेस के द्वारा संपन्न होता है बच्चों। इसलिए इनके बारे में जानकारी लेना, जानकारी रखना, ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है बच्चों। इस चीज को याद रखो, जब तक तुम नहीं जानोगे इस रिसोर्स को, ये तुम्हारा जो है ये फिर इसके ज्यादा दोहन करोगे तो बनने में लंबा समय लगता है। इसमें ये शॉर्टेज कर जाएगा बिहार में, प्रॉब्लम हो सकता है। ये भारत की बात करो, विश्व की बात करो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बच्चों। इसलिए इस रिसोर्सेस के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो आइए बच्चों हम जाने, मानव अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक पदार्थों का उपयोग करता है। फंडामेंटल नेसेसिटी के पूर्ति के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का हम यूज करते हैं बच्चों। ये बिल्कुल सही बात है, जब तक उस मटेरियल्स का हम यूज नहीं करेंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। ये पदार्थ हमें या तो प्रकृति प्रदान करती है, या हम स्वयं इसका निर्माण करते हैं। यही होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स का हम यूज करते हैं अपने लाइफ पीरियड में, जो हमें नेचर देती है, या हम उसका फॉर्मेशन सेल्फ कर लेते हैं बच्चों। नेचर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ, प्राकृतिक संपदा या नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं। वह रिसोर्सेस जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। मैंने रिसोर्स पहले जान लो बच्चों, ये रिसोर्स हिंदी में इसको बोलते हैं संसाधन, संसाधन रिसोर्स। तो रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये एक होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस,
और दूसरा आपका आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेस. बच्चों तो आप याद रखोगे, नेचुरल रिसोर्सेस दैट रिसोर्सेस विच वी गेट फ्रॉम नेचर, नेचर से प्राप्त होने वाला रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस गेटिंग फ्रॉम नेचर, गेटिंग फ्रॉम नेचर प्रकृति से प्राप्त होने वाला रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस. और जिस रिसोर्स को मानव सेल्फ प्राप्त करता है, सेल्फ बनाता है, फॉर्मेट करता है, उस रिसोर्सेस को हम बोलेंगे प्राकृतिक, ये सॉरी मैन मेड रिसोर्सेस या आर्टिफिशियल रिसोर्सेस. तो नेचर से प्राप्त होने वाला रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस. फॉर इजी बच्चों, कोल, पेट्रोलियम जिसको पढ़ोगे तुम, एयर, वाटर, एयर, वाटर, टेम्परेचर जो है, या गैस नेचुरल, ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सेट्रा, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, या मिनरल्स खनिज, नेचुरल गैस इटीसी, ये सभी हमारा नेचर से प्राप्त होने वाला रिसोर्सेस हैं. और वह रिसोर्सेस मैन स्वयं उसे फॉर्मेट करता है, उसे स्वयं बना लेता है, तो वह कहलाता है मैन मेड रिसोर्सेस. मैन वॉर मैन तो मानव के द्वारा निर्मित रिसोर्सेस बच्चों, वह कहलाएगा आपका ये आर्टिफिशियल या मैन मेड रिसोर्सेस. और ये बच्चों इसका एग्जांपल देख लो, फॉर इजी उदाहरण के लिए टेबल, चेयर, बोट एक्सेट्रा, बहुत सारा रिसोर्सेस है बच्चे. तो ये रिसोर्सेस दो प्रकार के हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेस और मैन मेड रिसोर्सेस. अब प्रकृति में विभिन्न साधनों की सुलभता के आधार पर प्राकृतिक रिसोर्सेस को दो वर्गों में विभाजित किया गया है बच्चों, ये नवीकरणीय, रेनेबल और नन रेनेबल. फॉर नेचर में विविधता के आधार पर बच्चों प्राकृतिक रिसोर्सेस या संपदा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है. मैंने कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस की उपस्थिति के कारण इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बच्चों. आइए अब आगे हम देखेंगे. तो हमने देखा रिसोर्सेस दो प्रकार के हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेस और मैन मेड रिसोर्सेस. और दोनों रिसोर्सेस हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम इसका उपयोग
करते हैं, जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तब तक हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी बच्चों। तो आइए अब हम, अभी हमने कहा है कि नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस की उपस्थिति के कारण रिसोर्सेस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिस कारण से हम उसको इजिली हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं बच्चों। जब जिस चीज को हम नहीं जानेंगे कैसे उसका यूज करेंगे, तो उसको यूज करने के पहले, उसका उपयोग करने के पहले हमें उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं कारणों से रिसोर्सेस, ये नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा दो प्रकार के होते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेस बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रिन्यूएबल, या पहला करो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसको हिंदी में बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं इसको? अनवीकरणीय संसाधन, या इसका दूसरा नाम है इन एक्स हाउस टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, इन एक्स हाउस टेबल या इन एक्स हाउस टेबल रिसोर्सेस। अनवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेस या इट्स हाउस टेबल रिसोर्सेस। इट्स ये नन, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस या एक्स हाउस टेबल रिसोर्सेस बच्चों, या ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस या एक्स हाउस टेबल रिसोर्सेस। तो हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस या इन एक्स हाउस टेबल रिसोर्सेस, और दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेस या एक्स हाउस टेबल रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेस जिनका यूज हम एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। इस रिसोर्सेस का यूज इस प्रकार के रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का यूज ओनली वन चांस, ओनली वन चांस ही किया जा सकता है। दूसरा बच्चा उपयोग के बाद, इस्तेमाल के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद है इनके यूज में अर्थ की आवश्यकता होती है, बिना अर्थ का हम इसका यूज कर ही नहीं सकते, बिना अर्थ का हम इसका यूज कर ही नहीं सकते बच्चों। तो इनके यूज में मनी की आवश्यकता होती है। इसके बाद बच्चों ये पॉल्यूशन इन ये एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाते हैं, ये एनवायरमेंट को या वातावरण को दूषित करते हैं या वातावरण को प्रदूषित करते हैं, अर्थात ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसके बाद है बच्चों ये सभी इंडिविजुअल को समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं। ये सभी पर्सन को समान रूप से अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों आप लिख सकते हो कोयला एंड पेट्रोलियम, क्या सबको पेट्रोलियम उनके आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो पाता है? जी नहीं, बिल्कुल। ये काफी कॉस्टली होते हैं, जिस कारण से ये समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना संभव नहीं है। एग्जाम्पल तुम कह सकते हो कोयला, कोल एंड पेट्रोलियम इट्सेट्रा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो बोलते हैं उसको सीएनजी, ये सब आपका इसमें इट्सेट्रा कीजिए। तो बच्चों ये सभी आपके इन हॉक्स या नॉन रिन्यूएबल इन हॉक्स हस्ट इन इन एक्स हॉस्टेबल रिसोर्सेस या अनवीकरणीय संसाधन है बच्चों। दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो बच्चों ये इसका सबसे पहला कैरेक्टर, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस का सबसे पहला कैरेक्टर कि इसका यूज हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, इसका यूज हम कंटिन्यूअसली करते हैं या कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चों इसके यूज में शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसके यूज में शुल्क या मनी को जो कहो कि कोई आवश्यकता नहीं होती है।
पर्सन को सामान्य रूप से मिलता रहता है। ये इन्वायरमेंट के मेंट के प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को जीव को इक्वली या समान रूप से इक्वली प्राप्त होता रहता है। इसके बाद बच्चों ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, ये पॉल्यूशन या प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख दो, एयर बोलो, प्रत्येक जीव को एयर की आवश्यकता है, इसके बिना क्या जीव जीवित रह सकता है। वाटर बोलो, इसके शुल्क इसके उपयोग में क्या शुल्क की आवश्यकता होती है। इसके बाद बच्चों टेम्परेचर, ताप, लाइट, इस तरह करो, ये सभी ये सभी रेन्यूएबल रिसोर्सेस है बच्चों। तो हमने देखा देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। पहले तो हमने ये देखा कि व्हाट इज रिसोर्सेस, जिन चीजों का उपयोग जीव करते हैं, जिनकी आवश्यकता या तो नेचर से या सेल्फ किसी कंडीशन से उन्हें जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वह वस्तु रिसोर्स कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और बच्चों रिसोर्सेस दो प्रकार के, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस दो प्रकार के, रेन्यूएबल रिसोर्सेस या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, दूसरा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस या इन एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेस। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेस नवीकरणीय संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग, जिन रिसोर्सेस का उपयोग हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते बच्चों, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट नहीं करते, अर्थात इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाते, जो प्रत्येक जीव को सामान्य रूप से मिलता रहता है, वैसे रिसोर्स को हम बोलेंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेस या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। वाटर, एयर, टेम्परेचर, बहुत सारा चीज है, लाइट, ये सभी जीवों को अवेलेबल होता रहता है नेचर के माध्यम से, ये और जितना उनको आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू दियर नेसेसिटी, उन्हें ये गेटिंग होता रहता है बच्चों। और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस, जिनका उपयोग हम कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते, एक बार करेंगे फिर वो डिस्ट्रॉय कर जाता है, एक बार करेंगे अगेन वो डिस्ट्रॉय कर जाता है। जान लो, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन स्प्रेड करता है, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन स्प्रेड करता है, अर्थात इन्वायरमेंट को दूषित करता है, जिनके उपयोग के लिए शुल्क की आवश्यकता होती है बच्चों, तो वैसे रिसोर्सेस को हम क्या कहेंगे, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस। और जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को इक्वली नहीं मिल पाता है, तो ऐसा रिसोर्सेस आपका ये क्या कहलाएगा, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस या अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन बच्चों, तो अभी हमने देखा देयर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, और ये कोयला एवं पेट्रोलियम जो है हमारा, वह नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस, कोयला एंड पेट्रोलियम जो है
वो हमारा नन रेनेबल रिसोर्सेस है बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम कोयला के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और बोथ रिसोर्सेस आर नन रेनेबल रिसोर्सेस एंड बोथ रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, सो दैट वी शुड नो अबाउट दिस रिसोर्सेस कोयला एंड पेट्रोलियम। कोयला एंड पेट्रोलियम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए अब कोयला पर चर्चा करेंगे हम। कोयला कोयला मतलब कोल कोयला बच्चों, कोयला के संबंध में आपने या तो सुना है या तो उसे देखा है, क्या सही है ना? सुना तो है ही और देखा भी आप लोगों ने है। कोयला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस और ये नन रेनेबल रिसोर्सेस नेचर में बनने में ये बहुत लंबा समय लेता है बच्चों, शॉर्ट समय में ये फॉर्मेट नहीं होता। इसके बाद है बच्चों यह काला एवं पत्थर जैसा कठोर पदार्थ है। कोयला काला एवं पत्थर जैसा, ब्लैक या ब्लैक या ब्लैक एंड एस्टोन लाइक हार्ड मटेरियल। मटेरियल है बच्चों या ब्लैक एंड एस्टोन लाइक हार्ड मटेरियल। कोयला इज कोलिंग ब्लैक एंड स्टोन लाइक, कोयला इज ब्लैक एंड स्टोन लाइक हार्ड मटेरियल। यह हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से बने यौगिक का मिश्रण है। यह कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनने वाला कंपाउंड, या कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉम्बिनेशन से बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। इसके बाद अब जान लो कोयला के बारे में। देखा तुमने कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बनने वाला कार्बनिक यौगिक, अर्थात कोयला में कार्बन भी है, मैक्सिमम कार्बन, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, ये थ्री एलिमेंट्स
का कम्बिनेशन, इसमें अल्प मात्रा में गंधक और नाइट्रोजन के यौगिक भी पाए जाते हैं, इसमें बहुत कम मात्रा में, इसमें बहुत कम मात्रा में सल्फर एवं नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। बहुत कम मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन पाए जाते हैं मित्रों। इसके बाद है कोयला। भारत में कोयले का प्राप्ति स्थान कहां कहां मैक्सिमम ये कोयला पाए जाते हैं इंडिया में, साइट ऑफ कोल इन इंडिया। तो भारत में हम जानते हैं कि कोयला पृथ्वी के अंदर बनता है, ये सबको पता है। पृथ्वी के ऊपर क्या कोयला बनता है क्या, और कोयला प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से, अपघटन से बनता है बच्चों, मिट्टी के अंदर। इसलिए यह पृथ्वी तल के नीचे खानों से निकाला जाता है, खान माइंस से हम निकालते हैं कोयला, माइंस ये अर्थ सरफेस अंडरग्राउंड या पृथ्वी के नीचे अंडर अर्थ सरफेस पर बनते हैं, पर प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से, प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनता है बच्चों। और जिस स्थान पर, जिस साइट पर, जिस स्थान पर इनका फॉर्मेशन होता है, उसे माइंस या खान कहते हैं बच्चों, उसे माइंस कहते हैं। अब जान लो कि कोयला हलवे पृथ्वी तल को खोदकर माइंस से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन का स्थान साइट जो होता है वह माइंस कहलाता है बच्चों। इसके भारत में झारखंड राज्य के धनबाद, झरिया और बोकारो में झारखंड या झारखंड खंड राज्य के झरिया कुमा बोकारो खिलाड़ी या भारत या झारखंड राज्य के झरिया बोकारो खिलाड़ी। उसके बाद बच्चों पश्चिम बंगाल के रानीगंज में बहुतायत पाए जाते हैं, तथा पश्चिम बंगाल ये एकदम फेमस है, तथा वेस्ट बंगाल के रानीगंज में
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। याद रखोगे बच्चों, प्रचुर मात्रा में ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में जगह है, रानीगंज वहां ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, या उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, या उड़ीसा भी और मध्य प्रदेश भी, या उड़ीसा एवं एमपी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है बच्चों। आप याद रखोगे, और खास करके बच्चों आपने देखा कि ये कोयला का जो स्टीप साइट है झारखंड में जरिया बोकारो खेलारी, वेस्ट बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी, कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में भी कोयला का बहुत मैंने कोयला प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इस विश्व में ऊर्जा का अगर चीफ सोर्स है तो कोयला भी एक चीफ सोर्स माना जाता है, या इसे एनर्जी का चीफ सोर्स मुख्य स्रोत माना जाता है बच्चों। तो आपने देखा कोयला का साइट वेयर कोल प्रेजेंट, कोयला कहां पाए जाते हैं बच्चों, और खास करके बच्चों ये कोयला जो है ये कैसे बनते हैं, आप इस चीज को जान लो कि कोयला के निर्माण की कहानी आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले से आरंभ होती, आज की बात नहीं बच्चों, 300 मिलियन वर्ष पहले से इनके निर्माण काल की स्टोरी स्टार्ट होता है। उस समय निम्न भूमि वेटलैंड वाले क्षेत्र में घने जंगल थे, प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे भूकंप, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो या ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अंग्रेजी में फ्लड आदि के कारण जंगल के पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब गए थे बच्चों, और इनके ऊपर अधिक मिट्टी बालू और जल की परतें बैठती गईं, या अत्यधिक गहराई के में धसते चले गए, और कालांतर या अंत में ये ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित हो गए बच्चों। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और उच्च ताप पर ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, क्योंकि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन मौजूद होता है बच्चों, जिस कारण से कोयला ब्लैक होता है। अतः मृत या डेड प्लांट्स से मुख्य रूप से ये पेड़ पौधे से कोयले में परिवर्तन होने की मंद प्रक्रिया कार्बोनाइजेशन कहलाता है। तो बच्चों पेड़ पौधों के डेट वेस्टिजियल्स से
निर्मित होने के कारण कोयला जीवाश्म ईंधन भी कहलाते हैं। तो बच्चों हमने देखा कोयले के निर्माण की कहानी आज से स्टार्ट नहीं बल्कि 300 मिलियन वर्षों से ये कहानी है। इसके बारे में हम जानते हैं कि हाउ कोल फॉर्म इन अर्थ लेयर। और हमने ये भी देखा नेचुरल क्लाइमेटेज प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लाइमेटी हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कोल कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो दानो इसके बारे में हम 300 मिलियन ईयर्स से जानते हैं अगो। और ये नेचुरल क्लाइमेटेज फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक वोल्केनो फ्लड एक्सेट्रा के कारण प्लांट्स मिट्टी के सॉइल के अंदर प्रेशराइज्ड या दब गए थे। ये प्लांट्स एयर से वंचित हो गए तथा धीरे धीरे डिकम्पोज होकर तथा स्लोली ली रूप से डिकम्पोज होकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गए। जिसे कोल कहा जाता है इस प्रोसेस से प्राप्त या इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कोल बनने के इस प्रोसेस को
कोल बनने के इस प्रोसेस को बच्चों कार्बोनाइजेशन हिंदी में कार्बोनीकरण, कार्बोनाइजेशन या हिंदी में कार्बोनीकरण, कहा जाता है। कार्बोनीकरण कहा जाता है बच्चों, आप याद रखोगे। तो हमने देखा कोल कैसे बनता है पृथ्वी तल पर, यह माइंस में कोल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इस चीज की चर्चा हमने की बच्चों। अब नेक्स्ट डे हम सभी लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कोल एंड टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है बच्चों? आप इसे तैयार करोगे, देखोगे घर में, फिर नेक्स्ट डे हम मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।